जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, हर गली मोहल्ले में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि कई राजनीतिक हस्तियां भी इसको लेकर जगह जगह जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दूं कि एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज लखनऊ में किया गया और इस दौरान आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता में जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके साथ अखिलेश यादव मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। प्रचार, मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं चार बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ, प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना, ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यही उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपसे, आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको, इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है, भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही है। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता
इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, ये हमें अधिकार हमें मेरा। और आपको बता दें कि इस दौरान अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, और अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि इस बार बीजेपी जो है वो 140 सीटों को भी तरस जाएगी। साथ ही तरह तरह के कई अन्य आरोप भी लगाए, कई बड़े दावे किए और कई बड़ी भविष्यवाणी भी की। इसी के साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि चार चरणों के चुनाव में बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। वहीं इस चर्चा पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि प्रदीप जी, आज जो प्रेस वार्ता हुई इस दौरान अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने कई बड़ी भविष्यवाणी की, जिसमें से पहली बात जो है अखिलेश यादव ने ये तक कह दी कि चार चरणों में जो है बीजेपी चारों खाने चित हो गई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपका जो पहला सवाल है उसका मैं उत्तर देना चाहूंगा। अखिलेश यादव की अगर बात करें, अखिलेश यादव पिछले विधानसभा में जितने लोग फील्ड में कवरेज में थे उन्होंने देखा कि इसी तरह से अखिलेश यादव निरंतर अपनी बातों को कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो गई है और माहौल है गजब का, एक नैरेटिव चला गया था। और रिजल्ट आने से आपको अंदाजा है, और मुझे लग रहा है कि देश की मीडिया नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पे आश्चर्य लोगों ने व्यक्त किया था कि 35 वर्षों के बाद एक ऐसा मोंग जो सन्यासी है और कानून व्यवस्था को लेके वो दोबारा जो है नए फुल मैंडेट के साथ उत्तर प्रदेश में आया, मतलब योगी आदित्यनाथ के चेहरे से वो चुनाव लड़ा गया था। और ये कहीं ना कहीं से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के लोगों ने पसंद किया था और फुल मैंडेट से वो उत्तर प्रदेश में आए थे, इस समय सीएम है। तो अखिलेश यादव की इस बात को हम निराधार यही से घोषित कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार वो उस तरह कह रहे थे और इस बार भी उस तरह कह रहे हैं, और दोनों बातें सिमिलर हैं। दोनों चुनाव में, चुनाव के बीच में जो ड्यूरेशन है, अभी तो ये विधानसभा में अखिलेश जी दिखते हैं बोलते हैं, लेकिन एक ऐसा समय था सबने देखा है, क्योंकि ट्विटर पे इनके जो अपने लोग हैं, जो सोशल मीडिया की जो इनकी टीम है, वो ट्विटर पे ही सारा काम करती थी, मैदानी जंग से कोई मतलब नहीं था। अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल पूरे इंडिया में जो अलायंस है उनका 17-18 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और वो पूरे भारत में फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। पंजाब में वो अलायंस से बाहर है, उसके बावजूद वो फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल की बात करें, स्वाति मालीवाल जब देश को ये पता है, देश की मीडिया को ये पता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भारत में घटनाएं घटती है उसको लोग समझते हैं, जानते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अखबारों में आता है और वहां के चैनलों में चलता है। जब प्रोटेस्ट चल रहा था महिला पहलवानों का, तो वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, एक प्रायोजित कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में जो आयोजक थे वो काफी हद तक सफल हुए। और अभी अल्पमत में जो है हरियाणा की सरकार आई, ये बहुत पहले होना चाहिए था कट्टर साहब के समय में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने शायद ये पहले समझ लिया था और एकदम एंड टाइम पर खट्टर साहब को जो है हटा के और उनको एमपी का टिकट दिया गया। तो ये एक गैंग था, एक गैंग था, उस गैंग के साथ जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे वो हो रहे थे। वहां की जो घटना है, उस घटना से सीएम हाउस की घटना को जोड़ के अगर देखें तो अपने आप में ये देवतक, मतलब कहीं से मुझे नहीं लग रहा कि सार्थक बातें हैं। सीएम का जो घर है वहां पर एक सांसद जाती है, स्वाति मालीवाल की बात करें, स्वाति मालीवाल अगर जाती हैं उनके साथ अभद्रता होती है, उनके साथ अभद्रता करते हैं, उसके बाद संजय सिंह दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको एक्सेप्ट करते हैं, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपने देखा होगा, अखिलेश यादव बीच में केजरीवाल और सबसे अंत में संजय सिंह बैठे हुए थे, और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, मैंने देखा वहां पर जो वहां का मंजर था। जब सवाल पूछा गया तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने अपने बोलने के बजाय माइक जो था वो संजय सिंह की तरफ सरका दिया, और संजय सिंह ने दो टुक में जो के शब्द थे वो निकले,
कि आम आदमी पार्टी अपना परिवार है और ये परिवार का मामला है। अब जो अरविंद केजरीवाल की बात करें, संजय सिंह की बात करें, पूरे देश की मीडिया, पूरे देश के लोग, आप भी इस क्षेत्र में आप भी ये देख रही है कि जब केजरीवाल और उनकी पूरी टीम सरकार में आई थी, अस्तित्व में आई थी, तो इसी अखिलेश यादव के परिवार को, कांग्रेस पार्टी के परिवार को, उसके बाद आप चले जाइए वो साउथ में, साउथ के जो राजनेता हैं उनके परिवार को ये पानी पीती कर पोसते थे और आज इन्हीं के साथ ये अलायंस में है। तो ये कब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी जो भविष्यवाणी है, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सीट बंटवारे को, वो सीट कितनी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर अलग अलग सबकी राय है। 200 ममता बनर्जी बता रही हैं, राहुल गांधी 220 के आसपास बता रहे हैं, 140 अखिलेश यादव बता रहे हैं, 180 अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं। इन लोगों में आपसी सामंजस्य नहीं, जो इनके पास इनके इनपुट है वो बहुत ही लचर इनपुट है। और ये शायद अपने किसी प्रेस में आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि लखनऊ इतना महत्वपूर्ण सीट है, बावजूद उसके ना ही अखिलेश यादव की कोई जनसभा हुई, ना रोड शो हुआ, ना राहुल गांधी की, ना अरविंद केजरीवाल की, एक राजनाथ सिंह के आगे रविदास मेहरोत्रा को एक पुतला बना के खड़ा कर दिया गया है जी। तो इनकी मंशा क्या है ये जानने की जरूरत है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इसका कोई मतलब नहीं था। आप देखिए 10 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा विहीन प्रेस कॉन्फ्रेंस था, सिर्फ एक व्यक्ति को, एक पार्टी को आप टारगेट नहीं कर सकते। लोकतंत्र इसकी छूट देता है आपको कि आप करिए, लेकिन सिर्फ एक पार्टी को, एक व्यक्ति को आप टारगेट करेंगे, ये चीजें ठीक नहीं है जी। देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव और केजरीवाल ने कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर डाली, उन्होंने ये तक बोल दिया कि इस बार जो जनता है सिर्फ 140 सीटों पर बीजेपी को सिमटा देगी, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, जबकि आप जानते हैं कि बीजेपी का जो वर्चस्व है वो तो यूपी में काफी अच्छा देखने को मिलता है। मैंने अभी आपको जवाब दिया मैगजी की उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो उस समय अखिलेश यादव यही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हार रही है, पूरी तरह हार रही है। हर एक टीवी चैनल को अपने इंटरव्यू में देते थे एकदम उत्साह से लवरेज, चारों तरफ ये चीज था, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था, एक थीम चल रही थी कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है, और कहीं ना कहीं से लोगों को लगने भी लगा था। देखिए जब 100 लोग किसी एक बात को कहते हैं तो जो 101वां व्यक्ति होता है वो उस चीज को मानने लगता है, तो ये चीजें लोग मानने भी लगे थे। लेकिन हुआ क्या, जो जनता थी, जो मतदाता था, उसने अपना अलग रूप दिखाया, अलग परिणाम आया, उस परिणाम का नतीजा देख इस तरह सीएम जो है योगी है, एक मौसम है। दूसरी बात, जो इनकी भविष्यवाणी की बात करते हैं, इनकी भविष्यवाणी कई बार कई मायनों में फेल हुई है। इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कोविशील्ड को लेकर, जब इन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की तो उसमें इनकी एक भविष्यवाणी थी अखिलेश जी की, वो भविष्यवाणी भी जहां से निकली, मतलब सोशल मीडिया से इन्होंने शुरू किया था, सोशल मीडिया पे काम हो गई। कोई देखिए, आप अगर बैठी हैं स्टूडियो में, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि हम दोनों जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं उससे एक तैयारी हमारी है, हम जाने के हमको क्या बोलना है और आपको पता कि आपको क्या पूछना है, आप एक माइंड सेट है आपका। लेकिन इनके पास कोई विजन नहीं है क्या बोलेंगे, देश का मीडिया, देश पूरा देख रहा है, देश का पूरा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया आपके सामने, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, आपको क्या बोलना है आपको यही नहीं पता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनकी जो भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी की उसी तरह है जिस तरह से मृग मृतिका होती है, मतलब दिखता तो है पानी है, दूर से दिखता कि पानी है, लेकिन पानी वो एक्चुअल होता ही नहीं है, वो वास्तव से जो मतलब मेरी मिर्चा बनता है वो होता है। तो इनका जो भविष्यवाणी है वो ठीक उसी तरह है, उसका बहुत बड़ा असर उत्तर प्रदेश पर नहीं पड़ने जा रहा है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ की एक अलग ही छवि है, लोगों में जो है उनकी लोकप्रियता को लेकर तमाम तरह की बातें भी सामने आती है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तक कह दिया गया कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 2-3 महीने के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था उससे अगले दिन, उन्होंने जब रोड शो किया था तो दिल्ली में उन्होंने इस बात को रिपीट किया, उन्होंने 2-3 नेताओं का नाम लिया और उन नेताओं के बाद सीएम योगी का नाम लिया। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, एक बात बताऊं, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्ति है, सबसे पहले तो उनके विषय में अरविंद केजरीवाल जी को रिसर्च करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के रहने वाले, अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान वो सांसारिक मोह से दूर हुए, महंत अवैधनाथ जो उनके पिता गुरु है
उनके सरण में गए, गोरखपुर गए। गोरखपुर का जो पीच है, गोरखनाथ का जो पीच है, वो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व स्तर का सिर्फ एकमात्र ऐसा पीठ है जो गोरख संप्रदाय की शिक्षा दीक्षा होती है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हिमालय की तराई क्षेत्र में गोरखपुर में वो उपस्थित है और उसके पीठाधीश्वर है योगी आदित्यनाथ। वह ऐसा पीठ है जहाँ से संघ के सारे तार जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसांगिक संगठन है राष्ट्रीय संसद संघ का। भारतीय जनता पार्टी ने जब सीएम प्रोजेक्ट किया था पहली बार, आपको याद होगा, तो मनोज सिन्हा के घर लड्डू बट रहे थे, और उनका नाम कभी भी सीएम के लिए अनाउंस होने वाला था, लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ संसद में थे और उनको दिल्ली बुलाया गया गोरखपुर से, और वो चार्टर प्लेन भेजा गया था और उन्होंने जाकर सीएम की शपथ का जो है शपथ ग्रहण किया था। तो योगी आदित्यनाथ की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ, चूंकि सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे पर बहुत ही मुखर होकर बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था की दुहाई है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों लड़की। प्रदीप जी, आपने कानून व्यवस्था की बात की है, ठीक है, लेकिन आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे। ये तक कह दिया गया कि बीजेपी जो है झूठे मुकदमे लगाने वाले गैंग है, ये बात तक कही गई है। और जबकि आप जानते हैं कि जो यूपी या और पूरी तरह से पूरे देश में देख लीजिए, जो आंकड़ा है अपराध का वो काफी गिरा है, चाहे महिला उत्पीड़न के मामले हो या फिर कोई और मामले हो, वो बहुत कम हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आज ये इतनी बड़ी बात कही गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैम जी, मैं आपको दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट बता दूं। पहले तो ये समझिए कि जिस जगह आप बैठी हैं, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, वहां पर एक समय में अपराधियों का 2016 से पहले अपराधियों का एक वर्चस्व हुआ करता था। अपराधी अपराध करते थे गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में और हरियाणा में चले जाते थे। आज आप खुद देखिए कि गौतम बुद्ध नगर में जो बच्चियां हैं वो कितनी सुरक्षित। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जितने स्वघोषित माफिया थे, विकास दुबे की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, अतीक अहमद की बात करें, उसके भाई की बात करें, आप कहीं उत्तर प्रदेश में विनोद उपाध्याय की बात करें, कहीं कोई माफिया दिखता है क्या? ये सारी चीजें धरातल हुई हैं। अगर आज योगी आदित्यनाथ को लोग समझ रहे हैं, अगर उनकी बातों का असर पड़ता है, और इस चुनाव में मैं आपको एक चीज और बहुत ही जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा, मैं कि इस चुनाव में कम से कम 55% ऐसे वोटर हैं जो योगी आदित्यनाथ के चेहरे को देख के वोट कर रहे हैं। मोदी का जो है वो तो है ही, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी लोग देख के उनको अपना आइडियल मानते हुए वोट कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका ये दूसरा जो है सत्र है। और आप कानून व्यवस्था की बात करें तो मुझे लग रहा है कि हमारा उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में नंबर वन है। उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई संगठित असंगठित अपराध जो है वो बिल्कुल खात्मे की तरफ है। आप सोचिए कि यही दशहरा हुआ करता था और दशहरे में लाउड स्पीकर बजाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को अनुमति लेनी पड़ती थी, आज ऐसा है क्या? सब सही नहीं है। वही मैं बोल रही हूँ ना कि पहले महिलाएं भी जो है रात में सड़कों पर नहीं निकल सकती थी, बहुत अपने आप को डर सा महसूस करती थी, अब काफी बदलाव देखने को मिला, उसके बावजूद भी इस तरीके की बातें की गई है। तो राजनीति है ये, राजनीति में इस तरह के जो, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हल्की राजनीति है लोकप्रियता पाने के लिए, आप समझिए इस चीज को। मैं आपको एक घटना अभी बता रहा हूँ, 4-5 दिन पहले उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक ब्राह्मण परिवार की हत्या इसने कर दी गई उस ब्राह्मण की। उसने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करूंगा, मैं बीजेपी को वोट करूंगा, और उसको लाठी के पीट में के वही समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उस ब्राह्मण को उन्होंने मार डाला जी। वो मर गया। आप सोचिए कि अभी ये केवल संसदीय क्षेत्र के एक संसदीय क्षेत्र की बात है जहां पर कार्यकर्ता इस तरह से मनबढ़ई करते हैं। इसके पहले फतेहाबाद देवरिया का नरसंहार आपको याद होगा, अब मुश्किल से 6 महीने पहले की घटना है, इस तरह से ब्राह्मण को जो है पूरे उसके परिवार को खत्म कर दिया गया था एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा। ये सारी चीजें उस समय आप वो दौर याद करिए जब सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। जवाहर कांड लोगों को याद करना चाहिए, जिस तरह से उसने आतंक फैलाया था, हिंदू था वो, मुसलमान तो था नहीं, यादव था और समाजवादी पार्टी का एक स्वघोषित सुघोषित माफिया था, और उसने जवाहर कांड आज वर्ल्ड फेमस है। इस तरह के अपराध बंद हुए, आज जो बच्चियां हैं वो खुल के अपने कोचिंग जाती हैं, अपने साथ जो है अपने माँ बाप के साथ पिक्चर जाती हैं, मॉल जाती हैं,
कोई है क्या उनका हाथ पकड़ ले, कोई है क्या उनके मुस्तकबिल, सौ में एक की गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन 99 बच्चियां तो हैं जो सुरक्षित हैं। एक जो संगठित अपराध है, क्योंकि पत्रकार हूं तो मेरा वो भी पक्ष है, मुझे वो भी देखना है। अपराध होते हैं, अपराध हो भी रहे हैं, लेकिन जो संगठित अपराध होते थे उन अपराधों की तुलना में अब जो अपराध हो रहे हैं वो बहुत ही नगण्य है, शून्य है। जी, केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि वे आरक्षण खत्म कर सके, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब केजरीवाल, इसके केजरीवाल जी को तो मुझे लग रहा है कि अपने देश का कोई अगर हाई स्टैंडर्ड का बच्चा है, अगर वो टीवी देख रहा है, टेलीविजन वो देखता होगा, या फिर वो अखबार थोड़ा बहुत पढ़ता होगा, तो केजरीवाल को हल्के मिलेगा, वो उनकी बातों को सीरियसली लेगा ही नहीं। तो केजरीवाल की बातों को क्या करते, मतलब क्या कह सकते हैं? केजरीवाल ने कहा था कि हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम सादा जीवन देंगे। आपको आपने देखा है कि केजरीवाल का बंगला कितना निशान है, केजरीवाल की गाड़ी कौन सी है, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के हाथ में जो कंगन है वो 90,000 का एक कंगन पहनती है, सोने का, सोचिए, दो कंगन एक हाथ में, दो कंगन एक हाथ में, चार कंगन, ये सादा जीवन होता है क्या? केजरीवाल जी की बातों को बहुत सीरियस लोग लेते भी नहीं है, और केजरीवाल उत्तर प्रदेश में उनकी कोई छवि नहीं है, उनकी पार्टी का कोई जनाधार है, वो अपने आप को एक बार फिर से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये चीज समझिए, पंजाब में इनका कोई अलायंस नहीं है, पंजाब में ये अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ इनका कोई वो नहीं है, कोई अलायंस नहीं है। लेकिन ये दूसरी तरफ बीजेपी को कह रहे हैं कि इन्हें पंजाब में इस बार कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला, इसी के साथ ना यूपी ना पंजाब, तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। देखिए, पंजाब की जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में जो वहाँ की स्थानीय पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस होता था और वो सरकार चलती थी, और वो जो बादल परिवार है, बादल परिवार वहाँ पे काफी दिनों तक साथ मिलकर जो है सरकार बनाया, वहाँ पर बीजेपी अलग है। ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहाँ सीट नहीं आएगी, ठीके आएंगी लेकिन कम आएंगी, उसकी अपेक्षा कि इनका सीएम है पंजाब में, इनके सीएम है भगवंत मान, इनकी बल्कि जो सीटें हैं वो बिल्कुल 9 के बराबर आने जा रही है, वहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, ये खुद केजरीवाल नहीं खेल पा रहे हैं। दिल्ली, अपने दिल्ली की बात करें, दिल्ली में वो अपने जो उनके सीट हैं, जो उनके वोटर हैं, उन वोटर को नहीं बचा पा रहे हैं, सीधी लड़ाई वहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और मैं आपको एक और मतलब चौंकाने वाली जानकारी दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरह से हम लोगों ने सर्वे किया है, जिस तरह हम लोग लोगों से बात करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, एक दो सीटों को छोड़ दे तो बहुत इजी वे में भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत रही है। तो केजरीवाल को बहुत जो है सीरियस कोई गंभीरता से लेता नहीं है, तो उनके दावों को हम उतना ही खोखला मानते हैं, जितने खोखले उनकी उनकी बातें होती हैं उतने खोखले उनके दावे होते हैं। देखिए, दोनों ने आज जो है प्रेस वार्ता एक साथ की, लेकिन दोनों ने कहा, दोनों ने अलग अलग बातें कही हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 140 सीटों पर रह जाएगी, तो दूसरी तरफ केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो 220 सीटों तक रह जाएंगे। दोनों ने जो है 80 सीटों का अंतर बता दिया है। अरे, अभी गनीमत है, 220 और 140 की बात हो रही है। राहुल गांधी का वक्तव्य आपने सुना दो दिन पहले, जी, राहुल गांधी ने कहा 230 से 240, ममता बनर्जी ने कहा 210 से 220। इनके जो लोग हैं ना, इनको इनपुट ही नहीं दे पा रहे हैं। तेजस्वी यादव एक अलग राग अलाप रहे हैं, जो बिहार में लालू यादव के सुपुत्र हैं, उनका कहना ये कि भारतीय जनता पार्टी 110 से जीतेगी। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को ये लोग, मतलब एक भारतीय जनता पार्टी के इतने दल एक साथ हुए हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने क्या चल रही है उसका इनपुट इनको नहीं मिल पा रहा। इनके पास क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी सुधांशु त्रिवेदी जी बोल देते हैं, कभी रविशंकर प्रसाद पटनाम बोल देते हैं, कभी संबित पात्रा बोल देते हैं, कभी स्मृति त्रिवेदी ईरानी बोल देती है, इनके अंदर खाने की सारी खबरें वहां चली जाती है, उनका क्या इनपुट है इनको पता ही नहीं चलता, और ये हवा में सीर चलाते रहते हैं। राजनीति ऐसे नहीं होती है, राजनीति का मतलब होता है ठोस निर्णय, जो आपकी बात है उस बात में एक गंभीर वक्तव्य वजूद हो, और वो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जितने भी अभी विपक्ष में कोई जो कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके अंदर इस तरह से गंभीर नेतृत्व करने की क्षमता हो, और यही कारण है कि ये लोग अपने बोलने की वजह से पब्लिक में जो है अब सिर्फ सुर्खियां बिटोरने का काम कर सकते हैं, धरातल पर उतर के ना ही ये उस तरह से वोट पा सकते हैं और ना ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन आज से उन्होंने गठबंधन की सरकार बनने का भी दावा किया है, किस आधार पे किया है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पिछली बार का आपको याद होगा, और उससे पहले भी अगर हम बात करें तो वो
बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये तीन पार्टियां एक साथ गठबंधन में थी ना उत्तर प्रदेश में जी। और ये लोग कह रहे थे सरकार बनेगी, बहन मायावती भी कह रही थी, अखिलेश यादव तो चिल्ला के कह रहे थे, और जो उत्तर आम आदमी पार्टी इनके साथ नहीं आई हुई थी, ये तीन पार्टियां कह रही थी सरकार बना रहे हैं। क्या हुआ, किस तरह से इनकी सरकार बनी, मतलब कोसों दूर चले गए, इतने दिन के विधायक नहीं थे कि इनका राज्यसभा सांसद जा सके। पिछली बार की अगर बात करें, जो पिछला चुनाव जीता है उसमें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सब लोग लाभवंद हुए थे, भले ये अलग अलग थे लेकिन कुछ पार्टियों का अलायंस था, स्वयं प्रसाद मौर्य बीजेपी से टूटे थे, दारा सिंह चौहान टूटे थे, ओपी राजभर टूटे थे, तमाम लोग टूटे थे, सबसे अलग अलग बयान आ रहे थे, योगी हार रहे हैं, भाजपा नेतृत्व हार रहा है, उसका वो परिणाम क्या है सबके सामने है। ये देखिए इनपुट मैंने आपको बताया, इनपुट ही नहीं है, जमीन पे काम करने वाले जो कार्यकर्ता होते हैं ना बीजेपी के अंदर, एक बहुत बड़ी चीज है वो पता है आपको, पन्ना प्रमुख से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उनके एक सीक्वेंस बना हुआ है, और हर एक पॉइंट पे बीजेपी काम करती है, और उसी के लेवल पे भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बार हम चार सौ पार। लेकिन इस चीज को ये समझ नहीं पाते हैं, इस दिन ये समझ जाएंगे मुझे लगता है कि ये अच्छे खासे मैंडेट के साथ उत्तर प्रदेश में या देश के किसी हिस्से में ये आ सकते हैं, इनको अभी मेहनत और रिसर्च करने की जरूरत है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। जी तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, और इस दौरान केजरीवाल और अखिलेश यादव ने तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें कही और बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, और ये तक कह दिया कि इस बार गठबंधन की सरकार बनने वाली है, लेकिन ये तो जनता और आने वाला वक्त ही तय करेगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, और तमाम अन्य मुद्दे और बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।